नाहरगढ़ से लखन सेन की रिपोर्ट। मंगलवार को दोपहर अचानक तेज हवा का क्षेत्र बना, जिसके कारण आधे अधूरे बने वेयरहाउस के उपार्जन खरीदी केंद्र चालू तथा अव्यवस्था के बीच खरीदी व निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण गुणवत्ता की कमी को भी आज उजागर कर दिया है। तेज हवा से कचनारा वेयरहाउस श्री राम व श्रीनाथ दोनों के पास स्थित चद्दर उड़े तथा हजारों बोरी गेहूँ पड़ा है। तेज बारिश से बारिश में गीले भी हो रहे हैं। श्री राम व श्रीनाथ वेयरहाउस के पत्रे व सरिया पास स्थित वेयरहाउस पर भी गिरे जाने से वहां भी नुकसान पहुंचा है। नाहरगढ़ व कैंपुर सोसाइटी में इन दोनों वेयरहाउस पर खरीदी की थी। आज भी उपार्जन केंद्र के बाहर कुछ फसल खरीदी के कट्टे पड़े हैं, जो बारिश में गीले हो रहे हैं। उपार्जन खरीदी केंद्र वेयरहाउस कचनारा की जाँच पड़ताल की मांग शासन प्रशासन व संबंधित विभाग से की गई है। जन चर्चा की आधे अधूरे निर्माण पर खरीदी की अनुमति कैसे मिली तथा निर्माण गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, आखिरकार मापदंड का पालन हुआ है या नहीं, जांच पड़ताल का विषय है। जो शेड उड़ गया है उसके बारे में आपका कहना, जो गेहूँ खराब हुआ है उसके बारे में क्या कहना आपका पूरा? ये प्राकृतिक आपदा है, भयंकर आंधी तूफान है। नाटाराम से लगा करके कैंपुर, बेटीखेड़ी और ये कचनारा का आखिरी पॉइंट है अपना, ये यहाँ तक एक भयंकर आंधी तूफान आया है, जिसने एक ऐसा नुकसान किया है जिसकी कोई मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देख ही रहे हो सब, ये तो जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? बैंक, ये अपने बीमा है, बिल्डिंग का बीमा है और माल का बीमा है, दोनों को बुलाया है, दोनों इसका सर्वे आ रहे हैं, सर्वे करेंगे इसका। अभी तक कोई अधिकारी आया है या नहीं? अभी तक अधिकारी आए हैं, इसके जो फूड कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं सीतापुर के, वो अंदर से अपनी देख रेख करके और माल की सुरक्षा के लिए कवरिंग कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। पिछले साल मध्य प्रदेश में आई बाढ़ की तबाही से कई गांव तबाह हो गए थे और कई परिवार बेघर हो गए थे, जिसके बाद लगातार इंडिया जनशक्ति पार्टी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही है। इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व उनकी टीम मंदसौर के पालियामारू पहुंची और बाढ़ पीड़िता से मुलाकात की। बाढ़ पीड़िता की मांग है कि उनकी अभी भी फिलहाल नदी के पास हमारा मकान है और वापस बारिश का मौसम आ चुका है, तो हमारी मांग है कि हमें मगरे पर मकान व पट्टा दिया जाए, जिससे आगे पिछले साल जैसी बाढ़ आए तो हमारे पहले जैसे घर बर्बाद ना हो। इसी को लेकर लगातार हमने कलेक्टर कहीं जगह हमारी मांग रखी है, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं मिला है। जब हमने इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी आजना अवगत कराया तो तुरंत उन्होंने हमारे गांव का दौरा किया एवं हमारी समस्या सुनी। समस्या को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया और कहा कि बाढ़ पीड़िता की समस्या का समाधान करे। किस लोगों ने यहाँ आए हो? बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आया था। इनको पिछली सरकार ने और नए जो मुख्यमंत्री बने अभी शिवराज सिंह जी, उन्होंने और पूर्व कलेक्टर जी ने इनसे कुछ वादे किए थे, वो वादे अभी तक इनसे पूरे नहीं किए और वापस बारिश का टाइम आगे आए और इन लोगों के घर की स्थिति यथावत है और फिर से पानी घरों में जाने की पूरी संभावना है। संभावना क्या, मैं कहूँ 100% जाएगा पानी, क्योंकि मौसम विभाग की इस बार की चेतावनी है कि पिछली बार से भी ज़्यादा बारिश इस बार होगी। तो मैं प्रशासन से और सभी राजनीतिक लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आगाह और सूचना देना चाहूँगा कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर अगर इन लोगों को जो मांगे हैं जो पूरी नहीं की गई, तो मेरे द्वारा एक आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके द्वारा सभी अधिकारियों को मजबूरन अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि इन लोगों का काम जल्द से जल्द कर दे शासन प्रशासन और जितने भी नेता लोगों ने इनसे वादे करे हैं, उन सबसे यही आग्रह है कि 10 दिन आप लोगों को दे रहा हूँ, अब तत्काल उन्हें पूरा करें। और इन लोगों का जो आवेदन है वो भी लिया है और इंडिया जनशक्ति पार्टी की तरफ से आवेदन उठाया जाएगा। 10 दिन के अगर इन लोगों का इनका काम नहीं मिला तो एक देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? हड़ताल के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? हड़ताल के बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर कहते हैं कि गांव वाले लोग वैसे भी बहुत ख़राब होते हैं, तो साम दाम दंड भेद तीनों इस्तेमाल करूँगा मैं, क्योंकि मैं कोई सात्विक इंसान नहीं हूँ। इसीलिए सभी को एक बात की चेतावनी दे देता हूँ कि इन लोगों की सुनवाई 10 दिन में ही होना चाहिए, वरना आंदोलन उग्र भी हो सकता है। मेरा नाम छगनलाल मांडवी। क्या समस्या है? ये हमारी समस्या ये है कि 14/9/2019 को भयानक बाढ़ आई थी और हमारा गांव नदी के दोनों किनारे बसा हुआ है और कलेक्टर महोदय और पूर्व प्रभारी मंत्री हुकम सिंह कराड़ा यहाँ आए थे
हमारी समस्या को देखने। उन्होंने बोला था कि आपको जल्द से जल्द जहाँ ऊंचा स्थान और शासकीय भूमि है आपको वहाँ मकान दिए जाएंगे और निःशुल्क आवास भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इस बार फिर बाढ़ आने की या नदी फिर हमारी समस्या जो कि त्यों है। इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा किया, किस लिए किया, क्या है पूरा? इंडिया जनशक्ति की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आंजना जी ने जो हमारे यहाँ दौरा किया तो हमारे लोगों की जो समस्या है उनको उठाने के लिए और हमारी समस्या का तरफ ध्यान देने के लिए और कलेक्टर महोदय को उन्होंने बात करी और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें ऊंचे स्थान पर प्लाट दिए जाएंगे। आपका? मेरा रामकिशन धनगर नाम है, पिताजी का नाम मंगीलाल गायरी। क्या समस्या आपकी? ये समस्या सर, पहले मकान जो बाढ़ पीड़ित में हो गए थे, प्रशासन ने बोला था कि तुमको महीना दो महीने में दूसरी जगह प्लाट देंगे, अलॉटमेंट काट के तुमको जमीन देंगे, वो अभी तक नहीं दी। उसके बाद फिर ये लॉकडाउन चालू हो गया तो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में देंगे, तो अभी तक कोई सुने नहीं की। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई देवड़ा जी वगैरह ये जो अपने विधायक है सीट के इनके, वो अभी तक आए नहीं। उसी टाइम आए थे जब बाढ़ पीड़ित हो गए थे, उस बाद में तो अभी तक उन्होंने कोई दौरा ही नहीं किया, कोई फिर भी बात ही नहीं करी। हम लेटर पर लेटर पूछाते रहे तो फिर बारिश मकानों की लिस्ट आई, तो आप लोगों को मकान दिए जाएंगे, बनाए जाएंगे, और इसके बाद में अभी तक फिर लॉकडाउन लग गया, तो बस बोले साल भर बाद देखेंगे, अभी तो अभी कुछ देख ही नहीं रहे। अभी ये फिर आंधी तूफान आया, फिर मकान उड़ गया, फिर मकान गिर गया, फिर क्या करें, अब कोई आगे कोई जान ही नहीं मिलता। ये मेरी आपसे रुकती है। समस्या तो ये है सर, ये गांव जो है नदी के किनारे बसा हुआ है, बंजारा बस्ती रहती है, बांसड़ा बस्ती रहती है, इधर उस साइड में जो है बलाई समाज में ST SC के लोग रहते अधिकतर। हाँ ST बोलियो ना, भील समाज के। अब इन लोगों के नदी के किनारे इनके मकान बने हुए हैं, पिछले साल खतरनाक जो है तुम्बन नदी ने अपना तांडव दिखाया था तो सारे घर नष्ट हो गए इनके, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस साल भी ये संभावना, लोग डर के मारे ये मकान नहीं बना पा रहे हैं, और इनका कहना है कि हमको जो है शासन की जो भूमि है अपने हायर सेकेंडरी स्कूल के पास में, वहाँ पे इनको प्लाट आवंटित किया जाए ताकि इनका मकान बनाए और सुरक्षित स्थान पर जाए। दूसरी बात, ये मांगलिक भवन जो दिख रहा है, ये मांगलिक भवन जनता की से जनता के काम आने वाली बहुत बड़ी चीज़ बनाई थी, सरकार ने दी थी, लेकिन इसको भी नष्ट कर दिया गया है, और बहुत जल्दी से जल्दी इसका जो है वापस में मांगलिक भवन निर्माण किया जाए ताकि लोगों को जो अपने काम आने वाली चीज़ में फायदा हो। आपका नाम? गोपीलाल राठौर। प्रशासन की टीम ने नाहरगढ़ नगर में कोरोना बचाव के लिए दस्तक दी, वहीं दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क न लगाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। देखते ही देखते जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ, पूरे नगर में जो भी व्यक्ति दिखे मास्क में दिखे, ऐसा ही प्रशासन कार्य सभी जगह हो तो कोरोना का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रकार के सराहनीय कार्यों की आमजन में प्रशंसा की है, वहीं स्थानीय निवासियों की यह प्रतिक्रिया भी देखते को मिली, जिसे एक दूसरे को चर्चा करते हुए नजर आए। यह सब हमारी सुरक्षा के लिए ही है। प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार संजय मालवी कैंपुर एवं SI विकास गहलोत, कस्बा पटवारी वारिस मोहम्मद, ASI केरू सिंह, सचिन अनिल पालीवाल सहित पूरी टीम यह सदस्य सराहनीय किया गया। मास्क वालों के हमने आज चालानी कार्रवाई की है, क्योंकि जब से लॉकडाउन खुला है लोगों के मन में ऐसी शंका हुई कि कोरोना बीमारी यहाँ से चली गई और सब लोग बिना मास्क के अपना काम करने लग गए थे, तो इसके कठोर कार्रवाई करने के लिए हमने आज से चालानी कार्रवाई शुरू की है, और जो भी लोग बिना मास्क के पाए गए, दुकान संचालक या ग्राहक, उन सभी के हमने चालान बनाए गए हैं। लगभग कितने चालान बनाए? चालान की संख्या लगभग 50-60 हो गई होगी। आप कुछ एक और? हाँ, दूसरा एक और ये था कि इस क्षेत्र में हमारा जो सीतामो उपखंड क्षेत्र है, 4 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं, जहाँ पर एक नाहरगढ़, कयामपुर, सीतामो और सुहागपुर 4 फीवर क्लिनिक है, जिसमें जो लोग सस्पेक्टेड हैं हमारी टीम काम कर रही हैं तो उनकी जानकारी पूरी यहाँ पर दे रही है। जैसे कि मेडिकल संचालक है,
उनको हमने बताया है कि आपके पास कोई भी अगर बिना पर्ची के कोई दवाई लेने आ रहा है, सर्दी खांसी बुखार या किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनकी जानकारी वो फीवर क्लिनिक पर ज़रूर दें। उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें सभी लोग जानकारी। थैंक यू सर।